गाड़ी नहीं देने पर आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपियों ने युवक के पेट और हाथ पर चाकू से वार कर उसे जान से मारने की कोशिश की। घटना शुक्रवार की मध्यरात्रि के करीब सदर थाना क्षेत्र की है। इस मामले में पुलिस ने तुमसर भंडारा के रहने वाले अमर रमेश खेड़ेकर की शिकायत पर आरोपी साहिल और उसके तीन साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अमर रात के करीब 12:30 बजे सुदर्शन मोटर से बाटा शॉप के बीच सीमेंट रोड के फुटपाथ पर सो रहा था। इस बीच आरोपी साहिल अपने तीन साथियों के साथ वहां पर पहुंचा। उसने अमर से उसकी बाइक मांगी। अमर ने बाइक देने से मना कर दिया। इस पर साहिल ने अमर से बहस की, चाकू से हमला कर अमर के पेट और हाथ को बुरी तरह से जख्मी करने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। दिनांक 26/6/21 रोजी 00:30 वाजता म्हणजे 12:30 वाजताच्या सुमारास बाटा शोरूम आहे विधान भवनच्या समोर, त्या ठिकाणी जखमी नामे अमर रमेश खेडकर याला त्याच्यात ओळखीचा साहिल उर्फ अंकित मिश्रा याने व त्याच्या सोबतच्या इतर तीन लोकांनी त्याच्याकडे मोटरसायकल मागितली, त्याने ती दिली नाही, त्यामुळे त्यांची आपसात भांडण होऊन शिवीगाळ होऊन त्या अमर खेडेकर याच्या पोटात त्यांनी साहिल मिश्रा याने पोटात चाकू मारून त्याला गंभीर जखमी केले। जीवे ठार मारण्याच्या उद्देशाने ताबडतोब सदर पोलीस स्टेशनचे स्टाफ पोहोचल्यामुळे त्याला दवाखान्यात उपचारासाठी नेण्यात आले। त्याच्यावर मेडिकल हॉस्पिटल येथे उपचार करण्यात आले। त्याचा जीव वाचला। पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे खुनाची घटना वाचली। आता तो धोक्याच्या बाहेर असल्याचे डॉक्टर सांगत आहेत। त्यानंतर तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे आणि गुप्त बातमीदारांच्या मदतीने आणि कळमना पोलीस स्टेशनच्या DB पथकाच्या सहकाराने सदर पोलीस स्टेशनचे DB पथकाचे अधिकारी API मोठे आणि त्यांच्या टीमने अथक परिश्रम करून चांगला तपास करत या गुन्ह्यातील चारही आरोपी निष्पन्न केले। त्याच्यापैकी दोन आरोपी आता अटक आहेत। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अमर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी साहिल और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरी के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।